हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावे स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेटेड क्लाज होता है। दो क्लाज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाज, एक कम से कम एक सबऑर्डिनेटेड क्लाज होता है और दोनों क्लाज को जोड़ने का काम किया जाता है। और जोड़ने का काम दैट के माध्यम से भी किया जाता है और क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से भी किया जाता है। पहला रूल है, जब दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, जब ऐसे वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उनमें से कोई वाक्य अगर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है, तो दोनों वाक्यों को दैट शब्द से यानी दैट लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। जैसे यह सत्य है कि तुम्हारा भाई चतुर है, तो इसमें दो वाक्य है, यह सत्य है और दूसरा तुम्हारा भाई चतुर है, दो वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को हम दैट शब्द से जोड़ते हैं। जैसे इट इज ट्रू दैट योर ब्रदर इज क्लीवर, इट इज ट्रू दैट योर ब्रदर इज क्लीवर। इस प्रकार से हम दोनों को दैट शब्द से जोड़ दिए। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, माताजी जानती हैं कि लक्ष्मी बीमार थी। तो मदर नोज दैट लक्ष्मी वाज इल, मदर नोज दैट लक्ष्मी वाज इल। दूसरे रूल में, यदि दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक होता है, इससे पहले दोनों वाक्य कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक नहीं था तो दोनों वाक्यों को दैट शब्द से जोड़ा गया, लेकिन दूसरे रूल में यदि उसमें से दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो क्वेश्चन वर्ड से दोनों को जोड़ा जाता है। यानी कि जब प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटेड क्लॉज दोनों में से दूसरा वाक्य अगर प्रश्नवाचक होता है तो दोनों वाक्यों को क्वेश्चन वर्ड से जोड़ा जाता है, चाहे जो भी इसमें क्वेश्चन वर्ड हो। जैसे यहाँ पर, मैं जानता था कि रमेश कहाँ रहता था। तो दो वाक्य हैं, मैं जानता और रमेश कहाँ रहता है। मैं जानता था कि रमेश, या यहाँ पर यह हो सकता है, मैं जानता हूँ कि रमेश कहाँ रहता है। तो आई डू नॉट नो, मैं जानता हूँ, इसकी इंग्लिश हो गई। और दूसरा वाक्य, रमेश कहाँ रहता है, तो रमेश की जगह पर रमेश कहाँ रहता है, तो यहाँ पर वेयर शब्द से क्वेश्चन उठा है, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है आपका कहाँ शब्द है और वही प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ दिया जाएगा। तो आई डू नॉट नो वेयर रमेश लिव, आई डू नॉट नो वेयर रमेश लिव्स। तो इस प्रकार से इसको जोड़ने का काम किया जाता है जब दूसरा वाक्य आपका इंट्रोगेटिव होता है। अगला, यदि पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, इससे पहले दूसरा वाक्य था लेकिन यदि पहला वाक्य यदि प्रश्नवाचक हो जाता है तो, और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, तो दोनों वाक्यों को अलग अलग बनाकर दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है दैट से, उसको दैट से जोड़ा जाता है। इसमें डिफरेंसेस है, यदि दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो
उसमें प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ा जाता है, और यदि पहला वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसमें दैट शब्द से जोड़ा जाता है, अलग अलग दोनों को अनुवाद करने के बाद। जैसे क्या तुम नहीं जानते कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता थे, तो डू यू नॉट नो दैट डॉक्टर अंबेडकर वाज द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू नॉट नो दैट डॉक्टर अंबेडकर वाज द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों वाक्यों को अगर पहला वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो दोनों वाक्यों को दैट शब्द से जोड़ा जाता है, और दूसरा वाक्य अगर इंट्रोगेटिव होता है तो उन दोनों वाक्यों को क्वेश्चन वर्ड से जोड़ा जाता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड हो। यहाँ पर वेयर था तो वेयर से जोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें आप प्रश्नवाचक मार्क नहीं देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे। और इसमें जो है, जब पहले क्वेश्चन वर्ड उठता है, पहला वाक्य क्वेश्चन वर्ड होता है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला है जो कुछ के लिए, जब वाक्य में जो कुछ शब्द का प्रयोग किया जाए और उसके लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है, जो कुछ शब्द के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कुछ अनिल ने कहा वह सत्य है, तो यहाँ पर जो कुछ अनिल ने कहा वह सत्य है, व्हाट अनिल सेड इज ट्रू। या यह कह सकते हैं जो कुछ मास्टर साहब कहते हैं उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पर पे अटेंशन टू, फिर इसके बाद व्हाट शब्द से जोड़ दिया गया, व्हाट द टीचर से, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर से। लेकिन यहाँ पर व्हाट को हम पहले भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर कामा के जगह पर व्हाट का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है दो विकल्पों के लिए, अगर दो विकल्प हो तो उसके लिए वेदर और नॉट का प्रयोग किया जाता है, और वेदर के बाद कभी भी हम डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं नहीं कह सकता कि इस वर्ष पास होगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता कि इस वर्ष पास होगा, इस वर्ष वह पास होगा या नहीं। तो यहाँ पर आई कैन से यहाँ एक वाक्य है, आई कैन से। फिर इसके लिए अगर जहाँ विकल्प हो वहाँ पर वेदर का प्रयोग किया जाता है, तो वेदर शब्द से जोड़ दिया गया, और दूसरा वाक्य ही विल पास दिस ईयर आर नॉट, तो आई कैन नॉट से वेदर ही विल पास दिस ईयर आर नॉट। तो इस प्रकार से वेदर शब्द का हम प्रयोग करके उसको जोड़ने का काम करते थे। एक बार फिर से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा कम से कम सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है। और इसके रूल हैं, जब दो वाक्य आपस में जुड़े हों तो दोनों वाक्यों को, यह सिंपल होता है, इसमें कोई प्रश्नवाचक नहीं होता है, तब जब दोनों वाक्य जो है आपस में जुड़े होते हैं, तो उन दोनों वाक्यों का अनुवाद करते समय दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यह सत्य है कि तुम्हारा भाई चतुर है, तो यहाँ पर दैट शब्द से जोड़ा गया है। इट इज़ ट्रू दैट योर ब्रदर इज क्लीवर, या माता जी जानते हैं कि लक्ष्मी बीमार थी, तो मदर नोज दैट लक्ष्मी वाज इल। यदि दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो दोनों वाक्यों को प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं नहीं जानता हूँ कि रमेश कहाँ रहता है, तो आई डू नॉट नो वेयर रमेश लिव्स। यदि पहला वाक्य आपका प्रश्नवाचक होता है तो दोनों वाक्यों को दैट शब्द से जोड़ा जाता है, और वहाँ पर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे डू यू नॉट नो दैट डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन,
जो जब जो है जो कुछ के लिए, जब वाक्य में जो कुछ शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया जाता है जो कुछ शब्द की इंग्लिश के लिए। जैसे जो कुछ अनिल ने कहा वह सत्य है, व्हाट अनिल सेड, व्हाट अनिल सेड इज ट्रू, या यह कह सकते हो अनिल सेड व्हाट इज ट्रू। या जो कुछ मास्टर साहब कहते हैं उस पर ध्यान दो, तो पे अ सेंटेंस टू व्हाट द टीचर से। अगला है दो विकल्पों के लिए, जब दो विकल्प होता है उसके लिए वेदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता कि इस वर्ष वह पास हो जाएगा, तो आई कैन नॉट से वेदर ही विल पास दिस ईयर और नॉट। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।